एवरीवन, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि हो तो गया है बहुत सारे दिन, पर न्यू ईयर के बाद एडमिशन काउंसलिंग का फर्स्ट वीडियो आया है। तो भिजू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो गया है, पर बहुत सारा बंदे के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि DRCC के थ्रू कैसे एडमिशन करवाए, या फिर कॉलेज में या कॉलेज के बारे में बहुत कुछ जानना रहता है। तो कॉलेज का सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज का प्लेसमेंट के बारे में। तो इन लास्ट ईयर जो 2022 में जो भी प्लेसमेंट हुआ है, तो टोटल अभी तक शायद 53 कंपनी आई है, जो कि आप गूगल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कॉलेज से भी लिया है। तो टोटल 53 कंपनी आई थी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि भिजू यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे BTech, BCA, BBA एंड अदर ऑल कोर्सेज, ओके, जितने भी कोर्सेज वहाँ पे चल रही है उन कोर्सेज अगर करते हैं तो उनमें प्लेसमेंट है या नहीं, एंड वहाँ से करना वर्थ है या नहीं। ओके, तो चलो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो, ओके, एंड बिहार के स्टूडेंट हो और साथ में अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास पढ़ने के लिए आपकी जो आर्थिक स्थिति वो सही नहीं है, तो अगर आप चाहते हो DRCC के थ्रू पढ़ना, ओके, तो DRCC के थ्रू पढ़ने में आपको क्या होता है कि आपको काउंसलर के थ्रू एडमिशन करवाना पड़ता है। आप चाहो तो कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो, पर अगर आप कॉलेज के थ्रू एडमिशन करवाते हो तो अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका DRCC कैंसिल हो जाता है या एक्स्ट्रा कुछ भी होता है, तो आप किससे हेल्प नहीं ले पाते हो। ओके, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग प्राइवेट काउंसलर से एडमिशन लेते हो। प्राइवेट काउंसलर क्या करता है, प्राइवेट काउंसलर आपका पैसा स्कैम कर देता है। साथ में प्राइवेट काउंसलर से एडमिशन लेने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें आएगी जो आगे चल के आपके जो कॉलेज लाइफ है उसको बर्बाद कर देगी, या फिर जो भी चीज़ होने वाली रहती है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमें रहती है जो आप फेस करने वाले हो। ओके, तो हम बात करते हैं एडमिशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, एडमिशन करने के लिए देखो भाई, दो चीज़ से एडमिशन होती है, एक होता है काउंसलर के थ्रू, एक होता है रेफरल थ्रू, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, काउंसलर के थ्रू करने में भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। स्टूडेंट रेफरल के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं भिजू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ओके, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अगर मेरे थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो आपको जो भी स्कॉलरशिप मिलने वाली रहती है वो भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो एडमिशन। ओके, एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम है, या फिर मेरा स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा हो, इस पे कॉल कर लेना आप। एंड जो भी भिजू यूनिवर्सिटी में अगर आप BBA, BCA या फिर मेस एक्स्ट्रा जो भी कोर्स कर रहे हो, या उससे रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, या जो भी आप कोर्स कर रहे हो वहाँ पे रहना कैसा है, गर्ल्स हॉस्टल कैसा है, एक्स्ट्रा जो भी आपका, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो आप लोग को बना सकूं। ओके, एंड ये 2023 का एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है, तो भाई अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग डायरेक्ट भाई स्टूडेंट रेफरल के थ्रू, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं काउंसलरशिप के थ्रू एडमिशन करवाता हूं, मैं काउंसलर नहीं हूं तो मैं काउंसलर के थ्रू एडमिशन नहीं करवाता, अगर आप स्टूडेंट रेफरल कोड के थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हो, जिससे आपका फायदे वाली बात है, और स्टूडेंट रेफरल थ्रू के क्या क्या फायदा होता है और काउंसलर के थ्रू क्या फायदा होता है, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तो नीचे इंस्टाग्राम से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मेरे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जो भी कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, या जो भी फी स्ट्रक्चर आपको बगल में दिख गया होगा, या फिर आपको दिख रहा होगा बगल में जो फी स्ट्रक्चर लगे हुए, ये टोटल इस बार जो फी है वो थोड़ा सा भिजू यूनिवर्सिटी का बढ़ा दिया गया है। एंड DRCC के थ्रू आपको 4 लाख लोन मिलते हैं, अगर ये सारी बातें हम कॉल पर भी बात कर सकते हैं। नीचे जो आप नंबर देख रहे हो उस नंबर पर आप मुझे कॉल लगाओ एंड अपना सीट कन्फर्म करें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।